हे गाइस, वेलकम टू रशगियर। स्वागत है आपका रशगियर के इस एक और नए वीडियो में। गाइस, फाइनली होंडा ने ग्राजिया 125 BS6 को लॉन्च कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे क्या क्या चेंजेस फीचर्स आपको होंडा की इस ग्राजिया 125 BS6 में देखने मिलने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं इस स्कूटर के प्राइस के बारे में। तो गाइस, दो वेरियंट में आपको ये स्कूटर दिया जाएगा। एक होगा ड्रम वेरियंट, या आप कह सकते हो स्टैंडर्ड वेरिएंट, एंड दूसरा होगा डिस्क वेरिएंट, जिसे आप डिलक्स वेरिएंट भी बोल सकते हो। तो होंडा ने इसकी प्राइस 75,155 रुपीस एक्स शोरूम मुंबई रखी है ड्रम वेरिएंट के लिए, एंड 82,221 रुपीस एक्स शोरूम मुंबई प्राइस रखी है डिस्क वेरिएंट के लिए। एंड अगर आपको जानना है कि आपकी सिटी में क्या होगी इस स्कूटर की प्राइस, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, वहाँ आपको ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा। गाइस, एक बात तो माननी पड़ेगी, प्राइस थोड़ी सी हाई है अगर हम इस स्कूटर को बाकी स्कूटर के साथ कंपेयर करें तो। लेकिन गाइस, जो फीचर्स आपके इस स्कूटर में मिल रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसकी प्राइस कहीं से भी ज़्यादा नहीं लगने वाली है। ग्राजिया 125 BS6 के इंजन की बात करें तो गाइस, आपको इसमें 125cc का HET BS6 PGM-FI इंजन दिया जा रहा है, जो कि पावर्ड बाय है ESP। ESP मीन्स इनहेंस स्मार्ट पावर, एंड ACG टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये इंजन दिया जा रहा है। गाइस, एक गुड न्यूज़ है, BS6 कंप्लाइंट इंजन होने के बाद भी आपको इस स्कूटर के पावर एंड टॉर्क में कोई भी कमी देखने नहीं मिलेगी। इसमें आपको सेम 8.2 HP का मैक्सिमम पावर मिल जाएगा, एंड 10.3 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। ये सेम पावर फिगर्स आपको एक्टिवा 125 में भी देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं इस स्कूटर के नए चेंजेस के बारे में। तो गाइस, यहाँ होंडा ने सच में कमाल किया है। सबसे पहले बात करते हैं इस स्कूटर के लाइटिंग सिस्टम की। तो गाइस, फ्रंट हेडलाइट के डिज़ाइन को पहले से स्लीकर बनाया गया है, एंड अब इस स्कूटर की हेडलाइट्स में LED DC हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जो कि कांस्टेंट इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करते हैं। चाहे आपके स्कूटर की स्पीड स्लो हो या फिर फास्ट, आपको एक जैसी इल्यूमिनेशन देखने मिलेगी। इसके साथ ही आपको इस स्कूटर में न्यू LED DRLs भी दिए गए हैं, जो कि आपको याद दिलाएंगे होंडा डियो की। बाकी टेल लाइट डिज़ाइन एंड ब्रेक लाइट असेंबली की डिज़ाइन को भी रीडिज़ाइन किया गया है। बात करें अगले चेंजेस की, तो नेक्स्ट चेंज आपको इस स्कूटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने मिलेगा। इसके क्लस्टर की डिज़ाइन को थोड़ा चेंज किया गया है। फुली डिजिटल क्लस्टर आपको इसमें दिया जाता है, जिसमें आप सभी तरह की इंफॉर्मेशन देख पाओगे, लाइक स्पीड, RPM, रियल टाइम इफिशेंसी, एवरेज इफिशेंसी एंड बाकी सभी तरह की इंफॉर्मेशन। गाइस, एक और मेन चेंज हुआ है इस स्कूटर में बिकॉज ऑफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अब इस स्कूटर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इंक्रीज हो गया है 16 mm तक। नेक्स्ट चेंज इस स्कूटर के हैंडल बार क्राउल में किया गया है। हैंडल बार को भी रीडिज़ाइन कर दिया गया है शार्पर लाइन एंड एजेस के साथ। बाकी गाइस, डायमेंशन, ब्रेक, सस्पेंशन, ये सब आपको सेम BS4 की तरह ही मिलेंगे। इसके ब्रेक में आपको ड्रम एंड डिस्क का ऑप्शन देखने मिल जाता है, एंड सस्पेंशन में वही टेलीस्कोपिक फ्रंट में एंड 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन रियर में देखने मिल जाएंगे। यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। गाइस, ये स्कूटर 6-ईयर वारंटी के साथ दिया जाएगा, जिसमें 3-ईयर की स्टैंडर्ड वारंटी एंड 3-ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी दी जाएगी। ये स्कूटर आने वाले वीक्स में शोरूम में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप अपने आसपास के होंडा शोरूम में विजिट कर सकते हो। तो गाइस, ये सब चेंजेस के साथ आपको होंडा ग्राजिया 125 BS6 दिया जा रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ को आपको होंडा ग्राजिया BS6 कैसी लगी, क्या आप ये स्कूटर परचेस करने का सोच रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड इसी तरह की न्यूज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय। We'll be right back.